क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, अ बोट कवर्स अ राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप का मतलब गया एंड आ गया, बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इन अ रिवर इन टी आवर्स टाइम है, अगर उसका स्पीड स्टिल वाटर में डबल हो जाए, ध्यान रहे करंट का स्पीड में कोई चेंजेस नहीं बोला है, देन इट विल टेक 80/161 टाइम्स टी आवर्स टू कंप्लीट द सेम जर्नी, हमें बताना है रेशियो स्पीड इन इट्स स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ रिवर क्या होगा। स्टार्ट कर लेते हैं, तो मान लिया कि स्पीड इन स्टिल वाटर ये हो गया x, एंड स्पीड ऑफ करंट अगर हम बोले ये आप मान लेते हैं y, जो a एंड b है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, a एंड b के बीच के डिस्टेंस को हमने d मान लिया। तो फर्स्ट सिनेरियो क्या बोल रहा है कि x से गया एंड सेम स्पीड से आया है, बट डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम होने के कारण स्पीड चेंज होगा, इसमें टाइम कितना लगा है t। अच्छा, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2xd, डिनोमिनेटर में है x square minus y square, इसका वैल्यू क्या है t। चलिए ए इक्वेशन 1 हो गया। फिर क्या बोला है कि स्पीड डबल हो गया, केस 2 में उसका जो x था x के प्लस पे अभी 2x हो गया है, तो 2x plus y से गया एंड 2x minus y से आया, इसमें टाइम कितना लगा है 80/161t। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा 4xd डिवाइडेड बाई 4x² - y² इक्वल टू 80t/161। ए टू मान लेते हैं, अभी हम 1/2 परफॉर्म करते हैं, तो 1/2 करने से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखा जाए तो न्यूमरेटर में आएगा 4x² - y², डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2x² - y² एंड RHS में क्या आ जाएगा 161 तो ऊपर आ जाएगा एंड 80 नीचे आ जाएगा। ध्यान रहे आपका 20 तो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 40 बच गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 160x² - 40y² इक्वल टू 161x² - 161y² कितना रहा है, तो आ गया है x² इक्वल टू 120y² यहां से x/121y² होगा 121y², तो x/y का वैल्यू कितना आ रहा है 11/1। समझ गए हमें क्या चाहिए था कि स्पीड इन स्टिल वाटर एंड क्या बोलते हैं कि स्पीड ऑफ करंट का रेशियो, तो आंसर आ गया 11:1। 11:1 का मतलब ऑप्शन ए सही है। उम्मीद है आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, और हाँ, अगर आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे बेस्ट PYQ का सोल्यूशन मिल जाएगा। धन्यवाद।